तो भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज हम आपको इंसानियत की नाते दिखाते हैं। ये जो आदमी है ये जाएगा आजमगढ़, आजमगढ़ जाएंगे ना, आजमगढ़, आजमगढ़ जाएंगे तो बिहार से ये पैदल निकला। बिहार कहाँ से? दरभंगा जिला से। दरभंगा जिला से पैदल चला तो हम वहाँ 20 किलोमीटर, दरभंगा से 20 किलोमीटर आगे हम अपना गाड़ी का टायर बना रहे थे, चक्का वो पंचर हो गया था, पंचर लगा रहे थे। उतना में वो पैदल आ रहा है, कह रहा था उस्ताद जी हमको भी ले चलिए आगे। पहले तो हमने मना कर दिया, तो उसके बाद में इसने बोला हमें बहुत पैदल 250-300 किलोमीटर जाना है। तो हमने नेट में देखा था 350 किलोमीटर इसका घर पड़ता है। ये बोल रहा हमको पैदल जाना पड़ेगा, इतना धूप पड़ रहा है। हमने इंसानियत के नाते इनको हमने अपना गाड़ी में बैठा के लेके जा रहे हैं, खाना पीना भी खिला के लेके जा रहे हैं। देखिए इससे हम कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, कोई पैसा नहीं। ये वीडियो योगी को जरूर देखना चाहिए। दे इंसानियत किसको बोला जाता है, अभी तक हम इनसे नाम भी नहीं पूछा, क्या नाम है, हिंदू है कि मुसलमान है, क्या है, कोई कोई नहीं। हम इंसान समझते हैं, जाति से कोई मतलब नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ जो है यूपी का, ये यूपी का है, उनका जरूरी पड़ता है इनको उनका घर तक पहुंचाना, इनका जिला तक पहुंचाना, है कि नहीं भाई? आपको सरकार में से कौन सा अच्छा लगता है? मुझे अखिलेश यादव का राज बहुत अच्छा लगता तो है। योगी क्या राज क्यों नहीं अच्छा लगता है? उसके राज में पैदल चलना मुझे बहुत खल रहा है, बहुत उसका दिल दुख रहा है। उसका उसका जिम्मेवारी होता है आपको अपना घर तक पहुंचाने का, अपना उसका जिला तक पहुंचाने का। वो भी वो यूपी का है, आजमगढ़ जिला, आजमगढ़ जिला पड़ता है वो। आपने रिक्वेस्ट तो किया होगा ना, नेट में किया होगा, उसने कुछ नहीं सुना। इसने 350 किलोमीटर पैदल चलने का इरादा कर लिया। तो लास्ट में हमने हम आगे मुलाकात हुआ हमको एक टायर का दुकान में, हम पंचर बना रहे थे, वो जा रहा था बेचारा, वो कह रहा उस्ताद जी हमको बैठा लो। पहले तो हमने मना कर दिया, फिर इसका दुख दे के हम देख रहे 350 किलोमीटर पैदल जाएगा। फिर हमने बैठा के अपना गाड़ी में लेके जा रहे हैं, देख खाना वाना खिला के सब लेके जा रहे हैं। आप होटल में इसका नहलाया धुलाया सब लेके जा रहे हैं। तो ये वीडियो योगी को जरूर देखना चाहिए इंसानियत के नाते। दे अभी भी कोई अच्छा आदमी दुनिया में है? आप मान के चलो हम ही हो जाते, योगी आदित्यनाथ का जो आदमी होता, हिंदू लोग होता या कोई भी जात धर्म का होता, तो हमको नहीं चलाते, नहीं बैठाते गाड़ी में। हमने इंसानियत के नाते इनको बैठा लिया, हमने चलो अपना घर तक पहुंच जाएगा तो हमके लिए घर में दुआ देगा, वही बहुत है जी। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आप हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा, हमारे घर पहुंचा दीजिए, हम घर वालों से अपने मिलकर खुश रह लेंगे। तो यही है, बल्कि इंसानियत इसको बोला जाता है। 350 किलोमीटर पैदल जाएगा, तो हम तो जाएंगे इसका गोरखपुर से, इसका घर नज़दीक पड़ता है आजमगढ़, तो गोरखपुर से 60 किलोमीटर इनका घर है, हम गोरखपुर से सीधा चले जाएंगे। तो इसको गोरखपुर में उतार देंगे, फिर भी इसका 277 किलोमीटर इसको हम गाड़ी में बैठा के आगे तक उतार देंगे। तो ये 60 किलोमीटर अपना घर से बाइक बुला के लेके चला जाएगा। तो भूखा प्यासा है, कल से रात से 12 बजे, रात से 12 बजे से चला है, रात 12 बजे से चला है। हमको ये मिला आज कितना तारीख है, 29 तारीख, आज 29 तारीख है, 29 तारीख चौथा महीना 2020। तो ये रात 12 बजे से चला है दरभंगा से, ये 20 किलोमीटर बस आ ही पाया है, रात 12 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक 20 किलोमीटर आ पाया है बस। आप देख लो भूखा प्यासा क्या होता, क्या हालत है, जाते जाते आते आते रास्ते में मर जाता, खत्म हो जाता। तो ये वीडियो जरूर शेयर करें, योगी आदित्यनाथ को पहुंचाए, और वो भी इंसानियत थोड़ा समझे। दे इंसान किसको बोला जाता है, हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है, उसको जाति से कोई मतलब नहीं है, एक इंसानियत समझिए। इंसानियत बोला जाता है, कल हम इंसान इंसान को मदद नहीं करेंगे तो किसको मदद करेंगे, बोलिए। इंसान इंसान को तो मदद करना पड़ेगा। मान के चलो हम आप जा रहे हैं, हम आपका दुख नहीं समझा तो कल हमारा कौन दुख समझेगा, कल हमारा भी कोई नहीं समझेगा दुख। आज हम आपका भलाई कर रहे हैं, अगर हमारा भी कोई ऊपर मुसीबत पड़ गया तो हमारा ऊपर वाला भलाई करेगा। दे अगला ने किसी का भलाई किया तो हमारा भी इसका भी भलाई करेंगे। तो हम ऐसे ऐसे आदमी को हम मदद करते हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे और देखेंगे। देखल क्या बोलते, किसी को परेशानी नहीं करने देंगे। जो जो मान के चलो पैदल चलते हैं जाते हैं, उसको हम अपना हाल समझ कर पूछेंगे
क्या हाल, पैसे है कि नहीं है, हम मदद करेंगे जितना जहाँ तक होता है हम उतना मदद करेंगे। बोलो क्या बोलना है आप, क्या बोलना है बोलिए। बस यही हम आपसे रिक्वेस्ट किए हैं, आप हमारी बात मान लिए, हम समझ गए कि इंसान के रूप में भगवान भी आते हैं, हर जगह आते हैं, इंसान को दिखते नहीं। यही वीडियो योगी आदित्यनाथ को जरूर देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। दे आज भी दुनिया में कोई अच्छा आदमी है जी, देख लीजिए। अभी हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, ये रोड में देखिए, अभी ये रोड पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, इतना धूप पड़ रहा है, कड़ा धूप पड़ रहा है। अब वो पैदल अभी जाता, पैदल जाते जाते क्या होता बताइए, क्या होगा? हमको तो चलो सीधा जाना ही है, तो हमारा गाड़ी में बैठ के चला जाएगा तो क्या होगा, अगला अगला मंजिल तक पहुंच जाएगा तो हमको दुआ देगा, जिंदगी में याद करेगा कोई आदमी लेके आया था हमारे लिए। बस वही चाहते हैं हम, इंसान चाहते हैं ना। ये हमको 5,000 रुपये देने चाह रहा था ना जी, 5,000 देने चाह रहा था, हमने नहीं लिया भाई, हमको पैसा नहीं चाहिए, तुम अपना घर तक पहुंच जाओ वही बहुत है। हमको 5,000 देने चाह रहा था कि हमको वहां तक उतार दो, हम बोले चलो आना बैठो कोई बात नहीं, हम तुमको उतार देंगे, खिला पिला ले जाएंगे, जो परेशानी है हमको पता, हम तुम्हारा परेशानी हल करेंगे। तो हमको पैसे दे रहा था, हम पैसे नहीं लिए, 5,000 दे रहा था, हम नहीं लिए, एक इंसानियत के नाते।